भागलपुर में चिकित्सकों के द्वारा IMA और API के तत्वाधान में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर बुधवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शहर के कई गणमान्य चिकित्सक मौजूद थे। यह कार्यक्रम ब्लड प्रेशर जैसे रोग से कैसे दूर रहा जाए और कैसे नियंत्रित रखा जाए, इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान IMA के अध्यक्ष DP सिंह ने कहा कि साइलेंट किलर अर्थात हाइपरटेंशन, जिसके लक्षण दिखते नहीं है, वह शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जिससे अचानक ब्रेन हेमरेज होने से लोगों की जान चली जाती है। आज के समय में युवाओं में 27-30% यह रोग देखने को मिल रहा है, जबकि पुराने समय में 50 वर्ष के ऊपर व्यक्ति को यह रोग होता था। इसके लिए डॉक्टर DP सिंह ने बताया कि योगा, प्राणायाम एवं व्यायाम लोगों को करना चाहिए, जिससे यह नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ चिकित्सकों ने यह भी बताया कि 140/90 के बीच हर समय अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखे और बीच बीच में चेकअप भी करवाते रहे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के इस साइकिल जागरूकता रैली में शहर के दर्जनों चिकित्सक एवं कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कि इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर API द्वारा, IMA के द्वारा जो ये आह्वान किया गया है, जो रैली निकाली गई है कि ये ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, इसमें तकलीफ बहुत लोगों को नहीं होता है और इसके कारण से लोगों में जागरूकता की कमी है। जितने भी वयस्क हैं 18 साल से ऊपर, वह अपना ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से नापें, और अगर वह 140/90 से ऊपर है तो उसका उचित उपचार करें। बुधवार को नगर निगम भागलपुर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर एक स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर असलाउद्दीन अहसन थे। वहीं आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर निगम के सभी कर्मियों एवं पार्षदों का BP जाँच किया गया और उपचार की सलाह दी गयी। साथ ही साथ इससे बचने के कई नुस्खे भी बताए गए, खास तौर पर नमक का कम सेवन करना, योगा एवं व्यायाम करना, धूम्रपान से दूर रहने और मोबाइल का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी गई। वहीं डॉक्टर प्रणव ने सभी निगम कर्मियों एवं पार्षदों की रक्तचाप की जांच की, साथ ही दवाइयां भी दी गई। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भी कई कर्मियों की BP की जांच की और लोगों से कहा कि यह एक साइलेंट किलर है, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव करें, योगा करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर निगम कर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा शहर स्वस्थ रहेगा, इसको लेकर यह एक पहल की गई है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है तो हमने सोचा एज ए डॉक्टर कि हमारे निगम कर्मी जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे हमारे शहरवासियों को कैसे स्वस्थ रखेंगे, तो इसी के तहत एक कार्यक्रम रखा स्वास्थ्य जांच की और सारे निगम कर्मियों को यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया है, पार्षदों को भी बुलाया है कि आप लोग आके अपना ब्लड प्रेशर जाँच कराएँ। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इसी में हम लोगों के निगम में, क्योंकि मेयर मैडम भी स्वयं डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं, तो एक शिविर टाइप का एक इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं कि सभी लोगों का, जो भी यहाँ के निगम के कर्मी हुए और जो बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों का ब्लड प्रेशर हम लोग चेक कर रहे हैं। अभाविक छात्र नेताओं के नेतृत्व में BCA के प्रमोटेड छात्र को फॉर्म भरने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और लगातार कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान छात्रों को पता चला कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक होनी है, जिसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट को बंद करवा दिया। बाद में पुनः छात्रों को सूचना मिली कि कुलपति सभी को आवास पर बुलाकर बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद कुलपति आवास पहुंचकर छात्रों ने कई मेंबर को बाहर ही रोक दिया और VC से वार्ता करने की बात करने लगे। विश्वविद्यालय संयोजक सुतोष सिंह तोमर ने बताया कि BCA के छात्रों को विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया था कि प्रमोटेड छात्रों को भी फॉर्म भरने दिया जाएगा, लेकिन दूसरे ही दिन विश्वविद्यालय ने अपना निर्णय बदल दिया। कुलपति इतनी हल्की बात करते हैं, ये इस पद की विश्वसनीयता को भी धूमिल कर रहे हैं। इस दौरान विभाग संयोजक मिथुन कुमार, सह संयोजक कुणाल पांडे, रोहित राज, तुषार अंकित सहित अन्य छात्र धरने में शामिल था। BCA के सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 सेमेस्टर के छात्र जो प्रमोटेड है, इनको फॉर्म भरवाने देने को लेकर के हम लोगों का मांग था, और हम लोग जो मांग कर रहे थे, हम लोगों का बस मांग ये था कि पहले रिजल्ट इन सभी का निकाल दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद सेमेस्टर 6 का फॉर्म भराया जाए या एग्जाम लिया जाए, ताकि जो 4 सेमेस्टर के छात्र हैं
उनका भी समय बच जाए और उनको भी एग्जाम देने का मौका मिले। लेकिन जिस प्रकार से ये एक पहली घटना नहीं है, आपने देखा होगा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जो है आजकल अपने हिसाब से चल रहे हैं, उन्हें छात्रों के भविष्य के साथ कोई लेना देना नहीं रह गया। विरोधी कुलपति जो कि छात्र कहते हैं कि हम छात्र हित के लिए यहाँ आए हैं और छात्र से वार्ता करने से भी डरते हैं, अभी आज जब हम लोग पिछले 5 दिनों से बीसीए तथा विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति आवास तथा कुलपति कार्यालय में आवेदन तथा मिलने को जाते हैं तो विश्वविद्यालय में कुलपति तथा कोई भी पदाधिकारी अनुपस्थित है, मगर आज जब कल से जब 19 तारीख से परीक्षा शुरुआत होना है और छात्र आज जब आक्रोशित होकर विश्वविद्यालय बंद कराए, तब हमें पता चला कि 3 बजे से एक एकेडमिक काउंसिल की बैठक जो कि विश्वविद्यालय में होना था, छात्र से इतने डरे हुए हैं कुलपति कि उस बैठक को अपने इस पुलिस छावनी में तब्दील कराकर अपने आवास पे करवा रहे हैं। 19 मई को वट सावित्री पूजा को लेकर नाथनगर का बाजार गर्म हो गया है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं 19 मई को वट सावित्री पूजा करेंगी। इसको लेकर बाजार में बांस के पंखे, मौनी डलिया सहित अन्य पूजन सामग्रियों के साथ साथ सुंदर साड़ियों से दुकानें सजने लगी है। 19 मई को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा करेंगी। इस दिन महिलाएं बरगद वृक्ष की पूजा कर देवी सावित्री के त्याग, प्रेम और पति धर्म का स्मरण करती है। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना भी करती है। सब कुछ चल रहा है ठीक, डलिया पंखा का भी तैयारी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बिक्री भी चल रहा है। तो आप क्या क्या बेच रहे हैं आप? डलिया पंखा पूजा का सामान है, पंखा है, सिंगार का पैकेट है, जनेऊ है, गुड़वा गुड़िया है, मोली धागा है, घी है, सालुक है, सिंगार पैकेट, सुपारी, सिंदूर, पुड़िया, अगरबत्ती, माचिस, अभी तो शुरू हो रहा है, बिक्री जब मिला जाए ठीक होगा। विद्युत विभाग के द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने गई छापेमारी टीम पर पुलिस के सामने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर स्थित हकीम शाह मोहम्मद लेन में बिजली चोरी के आरोप में छापेमारी करने गई टीम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बिजली विभाग के जेई और एक लाइनमैन आंशिक रूप से चोटिल हो गए। वहीं कनीय अभियंता सहित अन्य बिजली विभाग के कर्मी के साथ धक्का मुक्की भी किया गया। कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा चंपानगर के मोहम्मद मुजामिल आजम ने बताया कि उसके नेतृत्व में 8 सदस्य दल नाथनगर थाना क्षेत्र के हकीम शाह मोहम्मद लेन के निवासी मोहम्मद सईद के घर पर बिजली के पोल से टोका लगाकर बिजली चोरी को लेकर कार्रवाई की गई और सईद के घर से बिजली कनेक्शन काट दिया गया। विद्युत चोरी को लेकर राजस्व क्षति को लेकर उस पर 30,041 रुपये बतौर जुर्माना जमा करने के लिए कहा गया। तब सईद के 20 से 30 संख्या में सहयोगियों ने जब्त तार को छीनते हुए कन्य अभियंता एवं उसके विभागीय सहकर्मियों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद पुलिस बल को बुलाकर किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष महताब खान मौके पर दल बल के साथ पहुंचकर सभी बिजली कर्मियों को सुरक्षित थाना पर लाया। बिजली विभाग के जेई मोहम्मद मुजम्मिल के लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी में जाते प्रशासन के साथ, तो हम लोग तार काट करके वहाँ रहते हैं, दूसरी भी चंपा नाला जो नंबर है ना, वहीं पे कुछ असामाजिक तत्व आए और हम लोग घेर लिए, तार छीन लिए और जैसे धक्का मुक्की रुकी है, भगदड़ किए, हम लोग प्रशासन था लगाए। गोलंबर चौक हकीम शाह लेन में गए, वहाँ पर एक मोहम्मद सईद आलम के यहाँ गए पहुँचे, उनके यहाँ विद्युत चोरी कर रहे थे और बिजली चोरी करते हुए उनके जो है छापामारी में जो है प्रशासन भी साथ में थे, उनका तार काटा गया और तार काट करके उनको जैसे हम लोग जो है कि बाहर निकल रहे थे तो वहाँ के जो है कि जनता लोग ने दौड़ करके घसीटना शुरू कर दिया, मारपीट भी किया गया हम लोग के साथ, हमारे कन्या भी अभियंता साहब के साथ में भी बदसलूकी किया गया है जो नहीं होना चाहिए। नाथनगर के अनाथालय रोड के समीप रेलवे अंडरपास लोगों के लिए जंजाल बना हुआ है। इसमें जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस रोड से होकर करीब 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत के लोगों की आवाजाही हर रोज होती है। लोगों को नाथनगर आने के लिए इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं उसके लिए छात्र छात्राओं को भी आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक तो किसी तरह से निकल जा रहे हैं, लेकिन साइकिल और पैदल आने जाने वाले लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा इस ओर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। रामपुर, कंजिया, भतोलिया, भीमकिता, बेलखुरिया समेत कई अन्य गांव के लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
भागलपुर के रसलपुर में सजी समृद्ध दुल्हन के रूप में खड़ी लड़की ने लोगों के सामने मजबूती से अपनी बात रखी और शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने खुद को सख्त बनाते हुए फैसला लिया और हम उम्र दूल्हे के बदले अधिक उम्र और सामने रंग के युवक को देखकर शादी से इनकार कर दिया। जयमाला स्टेज पर मोबाइल से शादी की रस्म का वीडियो बना रहे लोगों ने अचानक देखा कि लड़की ने लड़के को माला पहनाने से इनकार कर रही है। मौके पर परिजनों को खूब खोरी खोटी सुनाई गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला भागलपुर के रसलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां विनोद मंडल की बेटी किट्टू कुमारी की शादी धनौरा के रहने वाला डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के बेटे नीलेश कुमार सिंह से होनी। जयमाला के स्टेज पर खुले मंच से दुल्हन किट्टू कुमारी ने दूल्हे को गले में माला पहनाना और तिलक लगाने से इनकार कर दिया और बोली, इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, काफी मनाने के बाद भी नहीं मानी, लिहाजा बिना दुल्हन साथ लिए दूल्हे के साथ बराती वापस लौट गई। इनकार करिए। हाँ? कब कैसे कब इनकार क्यों? बरमाला के टाइम में समझी मिलन ठीक हुआ, समझी मिलन के बाद चले बरमाला में, बरमाला में बस वही इनकार कर दिए।